Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantaram. Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sauvasahunam, Siddham Suttham Pananiya, Jininda Varane Michanda Makalankam, Gunarayana Bhusanudayam, जीवस्परुवणं मोक्षम्। भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार जो सिद्धांत चक्रवर्ती निमिचंद जो हो गए आचार्य, उन्होंने ये जीवकांड ग्रंथ की रचना की है, गोमरसार जीवकांड। उसी के आधार से जो अनेक संस्कृत टीकाएं बनी थी, उसमें से पंडित प्रोडर्नल जी ने उसको सरल करके सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। सुबह हमने बात की थी कि ये ओरिजिनल ढूंढारी भाषा में थी और उसको पढ़ना भी कठिन लगता था। मैंने ये भी बात उठाई थी कि हमारे घर में जो मोक्षमार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय हुआ था, तब हमारी जो लक्ष्मी बहन है ना, वो हमारे रोज की स्वाध्यायी है, उन्होंने कहा मेरे घर में मोक्षमार्ग प्रकाशक की ढूंढारी प्रत है, वो ऐसे वाला ग्रंथ होता है ना, वैसे पलटने वाला, तो क्या मैं आपको दिखाऊं? उन्होंने बोला अवश्य दिखाना। तो हमने उसको देखा, तो रात के प्रवचन के बाद उसको पढ़ते हुए मुझे विकल्प आया कि ये हमारे यहाँ जीवकांड हमने ढूंढारी भाषा में हमारे यहाँ पूरे आद्योपांत स्वाध्याय हो चुका था, एक दो बार नहीं अनेक बार भी हुआ था। तो कहते कि मैं इसको क्यों ना हिंदी बनाऊँ। तो मैंने अपनी बात इनसे की कि मैं इसको हिंदी बनाऊँ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर सुबह जगने के बाद मैंने कहा अरे ये इतना बड़ा ग्रंथ है 900 पेजेस का, वो तो उसमें तो संदृष्टि अधिकार भी तब नहीं था, फिर भी उसके बिना भी 900 पेज वाला वो ढूंढारी ग्रंथ था, ये मैं कब बनाऊंगी? तब मेरी उम्र थी कुछ 60 के ऊपर, अभी इसको मैं बनाऊँगी तो कब होगा, मेरे से नहीं होगा। मैंने कोई चिंता नहीं करो, रोज़ के 5 पेजेस बनाओ तो 6 महीने में ये बातें हो जाएगी, 6 महीने में ग्रंथ पूरा हो जाएगा। हाँ 180 ये तो कहते कि फिर मैंने चलो कर लेंगे, इसलिए फिर मैंने चालू कर दिया। करीबन जनवरी में कुछ 10 तारीख को शुरू किया होगा, परंतु मज़े की बात कि 3 महीने पूरे होने के पहले पहले ये पूरा ही 900 पेजेस का ग्रंथ आद्योपांत उसका ट्रांसलेशन पूरा हो गया था। यानी कभी कभी तो मैंने तो देवलाली में भी यहाँ ट्रांसलेशन अपने विधानों में कभी भी आती थी बीच बीच में, तो वहाँ पर भी हमारा ट्रांसलेशन का तो चलता ही रहता था काम। लोग पूछते कब उठ के कब करते थे, क्योंकि हमारे प्रवचन रोज के चलते थे और घर में हमारे कोई रसोई वैसे बनाने के लिए कोई नहीं है ना। तो 3 बजे उठकर सुबह में बैठती थी, क्योंकि उतनी तो एकांत भी चाहिए जिसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कोई विषय इतना कठिन है कि उसमें कोई चूक, मेरे से अगर कोई चूक होती है तो आगे आने वाली पीढ़ी के जो गलत भ्रमणा होगी उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। इसलिए इसमें बहुत चौकन्ना रहकर बहुत बारीकाई से करने की कोशिश की है, क्योंकि मूल ग्रंथों में भी अनेक अशुद्धियाँ थी, उसको भी अनेक अलग अलग रेफरेंस लेके उसको भी जांचा है, करेक्शन किया है। तो ये ढूंढारी में से हिंदी अभी आपके हाथ में है। अभी हमारे घर में एक भी कापी बची नहीं, जो हमारे अपने अपने जो ग्रंथ है उतने ही सारे के सारे यहाँ लेके आए हैं। हाँ 4 बाकी हैं, इंदौर वाले, इंदौर आए ना, इंदौर से कोई आए, वो वहाँ अभी विकास जी ने वहाँ शिविर लगाया था, उन्होंने 150 कापियाँ मंगवाई थी ग्रंथों की। हमने बोला हमारे लिए यही वो कम पड़ने वाली, हमने उनको केवल 25 भेजे और बाकी अभी घर में हमारा सारे कर्मकांड लब्धिसार और जीवकांड सभी अभी समाप्त हुए हैं। और हमारे यहाँ शिविर भी बहुत बार अपने हुए हैं, देवलाली वालों के हमारे इतनी मेहर नज़र है
इतनी कृपा है कि उनकी मेहरबानी से ऐसे 6-6 घंटे के यहाँ जो शिविर हो चुके 2005 या उसके भी पहले से हो रहे हैं ना, भूगोल और उसके पहले पंचलब्धि भी हुई थी, तो ऐसे सारे ही ये जो प्रवचन यहाँ वीडियोइंग भी उसके बहुत सारे बहुत तो उनके तो हो ही गए हैं, और ये सारे ही विजुअल जो है आपको YouTube पर अभी मिलेंगे। YouTube में जैन तत्व नाम से आप पर खोलेंगे तो अभी तक उसमें गुणस्थान के 30 घंटों के, जैन भूगोल के 20 घंटे और जैन सिद्धांत प्रवेशिके के 60 आवर्स, यहाँ देवलाली में 2 बार शिविर हुए थे सिद्धांत प्रवेशिके के, यानी इन कंटिन्यूएशन में 60 घंटे है, और फिर अभी कर्मकांड के भी बहुत उसमें डाले हैं, करीबन 1000 GB जितना मैटर उनको दिया हुआ है और वो क्रम से अपने सहूलियत से उसमें डालेंगे। और ये भी हमारे कोई भाई अहमदाबाद से आए थे, किशन भाई, किशन शाह, तो लास्ट टाइम आए थे और उन्होंने अपनी ओर से मांगा कि आप हमारे हमें परमिशन देते हैं, हम डालना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो उनके अपना तो बिजनेस है ही है, वो सब संभालते हुए रोज़ डेली नाइट भी पूरे नाइट रात भर में वो सब ये काम चलता रहता है उनका, वो अपलोडिंग का वो चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। और ये सारे जितने यहाँ देवलाली के शिविर हुए हैं सभी के वीडियोइंग किए हैं, वो सारे आपको क्रम से मिलने वाले। अभी दूसरी भी बात बता चु अभी विषय निकला ही है, हमारे अभी तक घर में जितने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हुए 10-12 हज़ार घंटों के भी ज़्यादा है प्रवचन अनेक ग्रंथों के, और विशेषता है कि सभी अनेक द्रव्यानुयोग के भी सभी ग्रंथों पर हुए हैं, जिसमें हमने हर ग्रंथ में कांजी स्वामी के जो गुजराती प्रवचन हुए हैं वो गुजराती पुस्तकों को फॉलो करते हुए गुजराती में पढ़कर हिंदी में समझाए हैं, एक एक लाइन पढ़कर उसका बिल्कुल बारीकाई से स्वाध्याय हमारे यहाँ होता है। वो सारे ही अपने जो साइट है jainsiddhant.org वो अभी वो अप टू डेट की है, पहले तो बहुत कम थे उसमें, अभी तक के जितने हैं वो सारे प्रवचन उसमें आ गए। वो तो हो गए ऑडियो प्रवचनों की बात, उसी में आपको वीडियो की लिंक भी मिलेगी। और एक विशेष बात है, हमारे यहाँ डेली 3 टाइम स्वाध्याय चलता है, सुबह 8:30 से 10 धवला की, अभी 12वीं पुस्तक अभी हमारा लास्ट लेक्चर होगा जाने के बाद, और शाम को या अभी जो आप नियमसार के जो कारण कार्य नियम सुन रहे थे ये दूसरी पुस्तक है, हमारी 4थी पुस्तक चल रही है वो मैं ले रही हूँ, और द्रव्य संग्रह के ऊपर जो गुरुदेव जी के जो पुस्तकें हैं मूल शास्त्र, फिर गुरुदेव के प्रवचन और फिर ये ऊपर समझा रहे द्रव्य संग्रह, ये जो सब प्रोग्राम है डेली 3.5 घंटे वो फेसबुक पर आते हैं। फेसबुक पे आपको डॉक्टर उज्वला शाह नाम से वो पेज खोलना है तो उसमें ये डेली आपको, और उसमें रहेगी, आप अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार उसको सुन सकते हैं। और ये मेहरबानी हमारे भोपाल वालों की, कहाँ गए भोपाल वाले, हाँ यहाँ एक बैठे भोपाल में, हम राजीव जी कौशल उनके घर में ठहरे थे, उनका बेटा वो इंजीनियर अभी हुआ है, तो उन्होंने हमको ज़बरदस्ती सिखाया कि कैसे रिकॉर्डिंग करना, क्या करना, किस तरह से उसको पोस्ट करना है, तो वहाँ तो उन्होंने किया ही था और वहाँ से वो बात शुरू हुई थी। फिर जब हम घर लौटे तो वहाँ पर भी बहुत बार उनके फ़ोन आते रहे और बहुत बार वो स्वयं भी एक बार आके उन्होंने समझाया और फिर हमने घर से ये बातें चालू की है, तो ये सब इतना आपको अवेलेबल है तो ज़रूर इसका आप लाभ उठाना। ये सारा और फ्री डाउनलोडिंग है, वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ, और ये सारा बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर हमारे चेतन जी का भी फ़ोन नंबर दिया है और आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करना, तो ये जो शिविरों के या जो जो कुछ हमारी गतिविधियाँ हैं उसका वो आपको इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप पर। अभी ये तो विषयांतर हुआ है, अभी हम अपना विषय बढ़ाएंगे आगे। जिसको स्वाध्याय करना है उसको बहुत सारी बातें आज के ज़माने में बहुत सरल होकर उपलब्ध है, बस मुंह में निवाला डाला हमको निगलना है, इतना है। गुरुदेव ने तो द्रव्यानुयोग हमको तो बहुत आसान करके दिया है, गुरुदेव ने भले ही द्रव्यानुयोग पर प्रवचन किए हैं, उनके तो धवला के 8 पुस्तकों पर भी 2 बार प्रवचन हुए थे जो रिकॉर्डिंग नहीं हुए, और ये हमारे जैन भूगोल जब शिविर हुई थी तब सोनगढ़ की महिलाएँ आई थी, 2 ब्रह्मचारी बहनें आई थी, उन्होंने ये बात बताई, हमें तो लगा कि 1 बार नहीं, उन्होंने 2 बार हुए थे, उनके जयधवला का भी अभ्यास था और उनके सारे ये प्रवचनों में बहुत बार उसके रेफरेंस देकर वो सब बातें बताते,
कितनी बातें सूक्ष्म में इतनी करुणानियोग की बातें बताते हैं और सहज रूप से कि हमें ऐसा लगता है ये कहाँ से निकाली उन्होंने बातें, यानी जो हमारे डेली अभ्यास चलता है फिर भी जो सूक्ष्म बातें हमारे ख्याल में नहीं आती वो गुरुदेव वहाँ बता देते हैं बिल्कुल सादी भाषा में। तो देखो ये जो करुणानियोग है वो हमारे जो अभ्यास है उसमें बहुत कार्यकारी है, और टोडरमल जी की भाषा में इसको हर अपने तरफ से जितना हो सके हम इसका अभ्यास करें। अभी अभ्यास हम यहाँ 20 प्ररूपणा से इसकी शुरुआत चल रही है अपनी, इन्हीं इसी पुस्तक के आधार से जो करुणानियोग परिचय नाम की जो मैंने पुस्तक लिखी थी वो इन्हीं 20 प्ररूपणा को बहुत स्थूल और बहुत साधारण ऐसी चर्चा है उसमें कि लोगों को उसके प्रति कुछ विशेष जानकारी हो जाए। अभी हमारा विषय जो 20 प्ररूपणाएँ का है वो चलेगा यहाँ पर। 20 प्ररूपणाओं के नाम हमने देखे, उसके मूल में दो भेद देखे थे, कौन से दो भेद? गुणस्थान और मार्गणास्थान। तो मार्गणास्थान यानी जो अन्य जो 20, एक तो गुणस्थान वाली एक प्ररूपणा है, बाकी 19 प्ररूपणाओं को मिलकर मार्गणास्थान कह देते। वैसे मार्गणाएँ तो 14 ही है, अन्य जो भी जो बची हुई प्ररूपणा उसी में गर्भित है। वो कैसे गर्भित है जब हम मार्गणाओं का स्वरूप जानेंगे तब हम उनको कहेंगे, अभी कहने से तो आपको कुछ समझ में आने वाली बात नहीं। तो हमने गुणस्थान की बात देखना शुरू की थी। तो गुणस्थान क्या है? तो जीवों के ही पर्यायों के भेद है। हम विदेश गए थे अमेरिका में, तो एक भाई ऐसे उठकर आए, मुझे इंग्लिश में बताओ इसको क्या कहना है। अभी उसको क्या समझाए, गुणस्थान को इंग्लिश में क्या समझाएंगे? तो हमने बोला ये जो जीव की स्पिरिचुअल लेवल्स है आप समझ जाओ इसमें जो कुछ है। तो क्योंकि ये गुणस्थान या आठवां गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, अभी हम मार्गणा भी पढ़ेंगे तो उसमें भी उन मार्गणाओं में हमें कौन से गुणस्थान होते हैं इसकी चर्चा आने वाली है। कोई भी विषय समझेंगे तो उसमें गुणस्थानों का नाम तो बारंबार आने वाला है। हम यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक दो घंटे ही गुणस्थान के लिए है, क्योंकि हमें 20 के 20 प्ररूपणा यहाँ कवर करनी है। अभी आपको बताया तो YouTube पर तो 30 घंटों के गुणस्थानों के लेक्चर जो यहाँ हुए थे देवलाली में, चार्ट सहित सब है, क्योंकि वीडियो है उसमें तो सब मिलेगी आपको। तो अभी हम इसकी स्थूल रूप से चर्चा करेंगे। तो गुणस्थान होते कितने हैं? तो कहते हैं 14 गुणस्थान होते हैं, परंतु गुणस्थान कहना किसको? हमने देखा था ना, गुणस्थान यानी पर्यायों के स्थान यानी भेद, वेरिएशंस है, यानी वो स्थूल रूप से 14 में विभाजित किया है। तो ये कौन सी पर्याय? क्योंकि जीव की पर्याय तो बहुत है, ज्ञान की पर्याय होती है, दर्शन की पर्याय होती है, श्रद्धा की पर्याय होती है, और कितनी पर्याय होती है, कौन सी पर्याय लेना? गुणस्थान कहना किसको? तो हम पुस्तक के आधार से देखते हैं। देखो ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती यहाँ वो गुणस्थान की यहाँ परिभाषा बताते हैं। देखो हाँ पेज नंबर बताते हैं आपको, ये पेज नंबर 63 में गाथा 8 है, और वो 8 गाथा का जो टीका है उसको हम पढ़ेंगे। 64 नंबर का पेज है, 8 नंबर की गाथा की टीका से गुणस्थान किसको कहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। एक नंबर की पुस्तक, अभी जब तक मैं नहीं बताऊंगी आपको एक नंबर की पुस्तक साथ में लानी है। दूसरे नंबर पर भी हम जाएंगे, पर इसके पश्चात यहाँ की जो प्ररूपणाएँ हो जाएगी उसके बाद हम दूसरी पुस्तक में इसे चर्चा करेंगे। तो आपको रोज दोनों पुस्तकें उठाकर नहीं लानी, पहली पुस्तक लानी। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखो क्या कहते हैं। मोहनीय आदि कर्मों का उदय उपशम क्षय क्षयोपशम परिणाम रूप जो अवस्था विशेष, अवस्था विशेष यानी विशिष्ट अवस्थाएँ, अवस्थाएँ यानी उसकी पर्याय, ये जो नाम अभी बताए हमें कुछ पता नहीं चला, उदय क्या होता है, उपशम क्या होता है, क्षय होता है क्या होता है, हम देखेंगे उसको। क्या कह रहे हैं? मोहनीय आदि कर्मों के जो उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम परिणाम रूप जो अवस्था विशेष, किसकी अवस्था है बताइए? जीव की के कर्म की? कर्म की। देखो मोहनीय कर्मों का उदय उपशम है, ये उदय उपशम तो कर्म की अवस्था है। अब उनके होते हुए, उनके होते ने वो करते हैं जीव को कुछ ऐसा नहीं कहा, उनकी उपस्थिति है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं। अभी हमारा विषय निमित्त नैमित्तिक का संबंध का नहीं है, परंतु देखो एक बात ख्याल में रखो,
जिस द्रव्य की जो कोई अवस्था होती है वो उसके अपने निज शक्ति से ही होती है, उसको उपादान शक्ति कहते हैं, उपादान कारण कहते हैं। अन्य द्रव्य उसमें कुछ हेरा फेरी, मदद, असर कुछ नहीं करता है, परंतु अन्य की वहाँ उपस्थिति पाई जाती है जो ज्ञान का विषय है। तो जिसकी उपस्थिति में ये कोई अन्य द्रव्य ने अपना कार्य किया है तो कहते वो उसमें निमित्त कहलाता है। पर निमित्त उसको कहते हैं जो अपना स्वयं का कार्य करता है पर परद्रव्य का कुछ नहीं करता है, परंतु उसकी केवल उपस्थिति पाई जाती है। जिसको हम केमिस्ट्री पढ़े स्कूल में तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? वो केमिकल रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेता, तो उसकी प्रेजेंस में वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। ऐसे ही निमित्त की उपस्थिति में अन्य द्रव्य का कार्य अपने में होता है। अब यहाँ जो अवस्था है कौन सी है? कर्म की। तो कर्म की अवस्था जीव के कारण होती होगी ना? नहीं, कर्म के कारण। और जीव की अवस्था? जीव के कारण। पर जीव की जिस अवस्था के समय में कर्मों में कौन सी अवस्था चल रही है वो उसके अपने कारण चल रही है, उसको यहाँ समझाए जाते हैं। तो कर्म में कौन सी अवस्थाएँ हो सकती है? उसका उदय हो सकता है, उसका क्षय हो सकता है, उपशम हो सकता है, क्षोपशम हो सकता है। तब जो जीव के परिणाम उसके अपने कारण होते हैं वो नाम हमने निमित्त की तरफ से दिए हैं। तो जीवों के भावों को हम वहाँ कर्मों का उदय चल रहा है। उदय यानी कब कहते हैं? देखो, कर्म का बंध हर समय हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव के मोहराग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। तो कर्म की बंध रूप अवस्था होती है, बंधने के बाद सत्ता में पड़े रहते हैं और उसके अपने समय पर जिसको हम कहेंगे उसका विपाक हुआ, फल मिला, फल मिला नहीं के उदय में आते, उदय में आते करते वो खिर जाते हैं। जब खिर जाते हैं तब उसका जीव के साथ निमित्त बनता है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों का जीव के साथ कोई निमित्त नहीं बनता, जीव के परिणामों के साथ। जब वो खिर जाते हैं उसको उदय कहते हैं, कर्म का उदय। तो कर्म का उदय उसमें अपने में होता है, पर उस समय जो भाव करता है उस भावों को उदय की तरफ से उसको औदयिक कहते हैं। जैसे में शरीर में बीमारी हुई तो होंगे शारीरिक, मन की हो तो होंगे मानसिक। ये शब्द जैसे तैयार हुए हैं तो वहाँ कर्मों का उदय है कर्म में, और जीव में जो भाव हो रहे उसको कहेंगे औदयिक भाव। कर्मों में अवस्था क्या हो रही? उपशम। उपशम में उसके उदय दब गया है, तब यहाँ जीव में जो भाव होते हैं उसको कहेंगे औपशमिक भाव। कर्मों का जब सर्वथा क्षय हो जाता है, जीव के सत्ता में से नष्ट होते हैं, जीव का अपना जो भाव है उसको कहेंगे क्षायिक भाव। और कर्मों में जो क्षोपशम रूप अवस्था है, वो क्षोपशम जरा देखेंगे जब भी उसका विषय आएगा, हमें हमारे कर्मों का विषय नहीं है, परंतु कर्मों में जो क्षोपशम रूप अवस्था होती है और उस समय जीव का जो अपना जो भाव है उसको कहेंगे क्षोपशम भाव, इसको कहेंगे नैमित्तिक भाव। तो ये हुए चार भाव। पांचवा कोई भाव होता है क्या? पारिणामिक, पंचम पारिणामिक भाव कहेंगे। अभी जो गुरुदेव के प्रवचन में उसकी बात आई थी, जिसको स्वभाव भाव कहते हैं, पारिणामिक भाव कहते हैं, पंचम भाव कहते हैं, जो हमारा स्वभाव भाव है। तो मेरा ये प्रश्न है, वहाँ कर्मों में कौन सी अवस्था होती होगी बेटा? आपको मालूम है कर्मों की कौन सी अवस्था होती है? आपको ये नक्की करना है। सम्यक नाम रखा है तो वो सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है वो समझना पड़ेगा अपने को। और हमें तो वहाँ गुरुदेव ने तो क्षायिक सम्यक्त्व की बात की, कि क्षायिक क्या होता है, क्षोपशम क्या होता है, औपशम क्या होता है, हमको समझना चाहिए और हम समझेंगे। वही समझने के लिए भी 5 दिन में सभी बातें समझने आने वाली है। तो देखो, हमने पूछा आपको जीव का जो पारिणामिक भाव है, स्वभाव भाव है, उसमें कौन निमित्त है, मेरा प्रश्न है। पीछे कोई बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं है? हाँ तो क्या हुआ? निमित्त किसमें लगता है? निमित्त, देखो देखो, कारण किसमें लगते हैं? कार्य में लगते हैं। स्वभाव ये कोई कार्य नहीं है। स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव होता है वो अनादि से होता है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो है और है। कोई पूछते ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि ऐसा स्वभाव में कोई क्यों प्रश्न नहीं लगता है। वीरसेन स्वामी बारंबार धवला में कहते हैं कि स्वभाव जो होता है वो होता है, वो आपके क्यों इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाधक नहीं है। तो जो स्वभाव है हमको जानना है, हमारे ज्ञान का ध्येय है तो हम उसको जान सकते हैं, पर उसमें क्यों ऐसा हमारा सवाल जो प्रश्न है उसमें कोई कार्यकारी नहीं है। तो हमने देखा स्वभाव क्या है, तो अनादि से होता है, स्वभाव किसी से उत्पन्न नहीं होता है,
स्वभाव कायम एक जैसा रहता है, स्वभाव बदलेगा ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा कुछ स्वभाव है और थोड़े काल के बाद अन्य हो जाए, ये बात नहीं होता। तो कहते स्वभाव अनादि का है, स्वभाव परिपूर्ण होता है। स्वभाव कैसा था? अमर्यादित होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं, जिसको कहेंगे लिमिटलेस। और वो स्वभाव जो लिमिटलेस है, वो पर्याय में लिमिटलेस पूर्ण विकसित हो जाए, ऐसा स्वभाव ही हमारे में पड़ा है। नहीं समझे? देखो, हमें अपना ही अनुभव हो जाए ऐसा स्वभाव में ही पड़ा है, और हमें केवल ज्ञान हो जाए, पूर्ण विकसित अवस्था क्या है हमारी? केवल ज्ञान। तो हमें केवल ज्ञान हो जाए ऐसा हमारे स्वभाव में ही पड़ा है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है, स्वभाव स्वयं प्रकट होने वाला है। तो हमें क्या करना है? स्वभाव का विश्वास नहीं है ना हमें, स्वभाव का विश्वास हो जाए, प्रतीति हो जाए, तो स्वभाव स्वयं ही वो प्रकट होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो ये स्वभाव जो उसका विश्वास हो जाना, उसे तो कहेंगे सम्यक्त्व। तो उसी को हम गुणस्थानों में यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये सब गुणस्थानों की जो स्वरूप समझने के लिए, ये कर्मों की अवस्थाओं के भाषा में उसको समझाया जाएगा। क्योंकि जिसको हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, ये जीव और कर्म अनादि से ही बंधे हुए ही अवस्था पाई जाती है उसकी। आठों कर्म है उसकी सत्ता में, बंधे हुए है, और आठों ही कर्मों का उदय हर समय चलता रहता है। और कर्मों का उदय चलता है तो उसका लक्ष्य करके जीव के भी अपने जो भाव होते हैं, अपने से हो रहे, वो उसका अपना अपराध है, जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, उसके कारण क्या होता है? और नया कर्म का बंध होता है, यानी पुराने कर्मों का उदय तो होने से रहा, क्योंकि जो वहाँ बंधे पड़े हैं वो उदय में आएंगे ही आएंगे, तो आएंगे और जीव उसका लक्ष्य करके फिर उसी में और ऐसा ही जुड़ जाएगा, मोह राग द्वेष करेगा, तो नए कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे। तो हम उससे कभी रहित ही नहीं हो सकते, क्योंकि अभी मिथ्यात्व आदि कर्मों का उदय भी चल रहा है और जीव मोह राग द्वेष भी कर रहे हैं, और फिर नया मिथ्यात्व आदि सभी कर्म बंद भी रहे, तो इसमें से कोई छूटने का उपाय होना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले में पहले ये नक्की करते होगा कि नहीं होगा, क्या इसे ही चलेगी अपनी गाड़ी? कभी मनुष्य हुए, कभी तिरंच हुए, कभी देव हुए, नारकी हुए, तो इसमें से छूटने का कोई उपाय होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए। आप कैसे कह सकते होना चाहिए? हाँ, सिद्ध भगवान है ना, ये कह रहे कितने हैं? अनंत है। तो जो कार्य अनंतों ने किया है वो सरल होगा कि नहीं होगा, ये नक्की करो। यानी मार्ग भी है और वो सरल भी है और वो स्वाधीन भी है। तो कहते ये मार्ग समझने के लिए, ये जो पहले में पहले गुणस्थान क्या होता है, यानी मिथ्या तो क्या होता है, ये भ्रमणा क्या हो रही हमारी, ये सब समझने के लिए हम यहाँ अभ्यास करें। तो ये कर्मों के जो उदय उपशम वगैरह जो कौन से यहाँ मोहनी की मुख्यता से बात कर रहे हैं, सभी कर्मों का अपना अपना अलग अलग जो कुछ यहाँ कार्य कारण हो रहा है, तो ये हमें तो स्वभाव को नक्की करने के लिए, स्वभाव इनसे जुदा है ये हमको नक्की करना है, परंतु जिनसे जुदा है उनका स्वरूप भी हमको नक्की करना है। ये सारे ज्ञान के ज्ञेय है। हम समयसार नियमसार आदि जो सुनते हैं पढ़ते हैं तो वहाँ स्वभाव की बात है, और वो स्वभाव में एकाग्र कैसे हो सकते हैं उसकी चर्चा है, परंतु स्वभाव में एकाग्र होना है तो किससे जुदा है स्वभाव? तो पर्याय में मोह राग द्वेष रहे उससे जुदा है, जो संयोग में पदार्थ है उनसे जुदा है, शरीर आदि से जुदा है, तो जिनसे जुदा है उनका भी हमको स्वरूप नक्की करना है। इसलिए हम यहाँ जो 20 प्ररूपणा देखेंगे उसमें से ये बात हमको नक्की करना है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि गुणस्थान की परिभाषा क्या है, फिर से इसको पढ़ते। ये कर्मों की अवस्थाएँ कौन सी? उदय है, उपशम है, क्षय है, क्षोपशम है, अन्य भी बहुत सारे 10 करण जो आते हैं अवस्थाएँ, वो हमारा कर्मकांड का विषय नहीं है। पांच भाव जिसको कहते हैं, वो पांच भाव जानने के लिए ये उनकी अवस्थाओं का यहाँ वर्णन चल रहा है। देखो क्या कहते हैं, मोहनीय पेज नंबर 64, मोहनीय आदि कर्मों का उदय उपशम क्षय क्षयोपशम परिणाम रूप जो अवस्था विशेष, ये कर्मों की अवस्था है, उनके होते हुए की बात, उनकी उपस्थिति है, उत्पन्न हुए जो भाव, किसमें उत्पन्न हुए? ये जीव के भाव, अर्थात जीव के मिथ्यात्वादिक परिणाम। ये कर्मों का उदय चल रहा है मिथ्यात्व का, यहाँ जीव का मिथ्यात्व परिणाम हो रहा है, यहाँ कोई पराधीनता नहीं है। कर्म की जो मिथ्यात्व की उदय रूप अवस्था कर्मों में है, और जीव स्वयं जो मिथ्यात्व करता है वो स्वयं अपने कारण करता है। यदि कर्म के कारण होता हो तो उसकी कर्मों की राह जो देखनी पड़ेगी,
कि कर्म हट जाए तो मुझे समय तो हो जाए, ख्याल में आती है ना बात? तो ये तो स्वयं अपनी स्वाधीनता से मिथ्यात्व कर रहा है, तो उसके अपने स्वाधीनता से वो मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, ये स्वाधीन की बात है। तो कहते हैं उस समय जीव के जो भाव है उनसे लक्षणते अर्थात लक्षित किए जाते हैं, देखे जाते हैं, लांछित किए जाते हैं जीव, वे जीव के परिणाम गुणस्थान संज्ञा के धारक हैं। हम अपनी भाषा में समझते हैं, कर्मों में उसकी उदय उपशम वगैरह अवस्था चलती और जीव की अपनी वहाँ अवस्था चल रही। तो यहाँ मोहनी की बात, ये गुणस्थानों में मुख्यतः भी मोहनी की बात करेंगे। मोहनी कर्म हमने दो प्रकार का देखा था, एक है दर्शन मोहनी कर्म और एक है चारित्र मोहनी कर्म। दर्शन मोहनी कर्म के तीन प्रकृतियाँ हैं, एक है मिथ्यात्व, एक है सम्यक मिथ्यात्व और एक है सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनी की तो अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण के चार, प्रत्याख्यानावरण के चार, संज्वलन के चार, और जिसको नौ नौ कषाय कहते कर्म, कौन से है वो? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक, ये तो हो गए कर्मों के नाम। तो उन वहाँ जीव के जो परिणाम होते हैं उसकी अपनी चर्चा चल रही। तो ये दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्मों की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो कर्मों में होती है, उस समय जीव के जो परिणाम है, तो इन दो कर्मों की जो अवस्था और जीव के परिणाम, इनके अनुसार ये गुणस्थानों के भेद होते हैं। तो कौन से गुणस्थान में कौन से कर्मों की कौन सी अवस्था की अपेक्षा है इसको यहाँ बताया जाता है। इसलिए जो 14 गुणस्थान अभी हम देखने जा रहे हैं, तो वो 14 गुणस्थान कैसे हुए हैं, वहाँ किसकी क्या अपेक्षा है, उसकी चर्चा चलेगी। पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये हमने गुणस्थान किसको कहा। गुणस्थान यानी जीव के पर्यायों के भेद है, और वो जीव के पर्यायों के लिए वहाँ कर्मों की जो विशिष्ट अवस्थाएँ हैं उसका निमित्त बताया जाता है। अब यहाँ देखते आगे, अब हम आगे देखते, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी औदयिक भाव किसको कहना, कर्मों में जो अवस्था है उसका नाम है उदय, और जीव के परिणामों को कहेंगे औदयिक भाव। देखो यहाँ परिभाषा उसकी दी है, वहाँ अपनी स्थिति के नाश के वश से, अपनी स्थिति किसको कहते हैं, जब कर्म बनता है तो उसमें पर्टिकुलर विशिष्ट स्थिति बनती है। स्थिति ने ड्यूरेशन, कितने काल तक वो जीव के साथ रहेगा और उसका उदय काल कितने तक चलेगा, तो उसके अपनी स्थिति पूरी होने पर उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, अभी वो जीव के साथ नहीं रहेगा, जीव को छोड़ के चला जाता है। छोड़ के चला जाता है तो कुछ फल दे के जाता है ना, भाड़ा दे के चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका निमित्त बनता है, वो कुछ नहीं करता जीव को, पर ये कहने की करना नियोग में कथन आता है। क्या आता है कि जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म को उपशमाया, जीव ने कर्म का क्षय किया। तो मैं आपसे पूछती हूँ, हमें कर्मों का उपशम करना चाहिए कि क्षय करना चाहिए? हाँ बेटे बताए आप, हाँ हाँ कुछ नहीं करना है क्या, क्यों नहीं करना? कर ही नहीं सकते, जीव की सभी अवस्था जीव में अपने से अपने में होती है, कर्म की अवस्था कर्म में होती है, पर करना नियोग के कथन कैसे होते हैं, इसको व्यवहार कथन कहते हैं, कि जीव ने कर्म को बांधा, उसको उपशमाया, उसका जो कुछ उपशम, जो कुछ कथन आते हैं, जो कर्णानुयोग के कथन है, तो हमें ये समझना है कि ये दो द्रव्यों में मिलकर कथन है, इसको उपचार कथन कहते हैं, उसी को व्यवहार कथन कहते हैं, परंतु प्रत्येक द्रव्य की अवस्था अपने में होती है। अगर ये बात अगर हमारी छू जाती है तो हमें ऐसा ही लगता है क्या करें, ये कर्मों ने हमको अभी तक घुमाया है संसार में और ये कर्म हमको रास्ता देंगे तभी हमारे आगे कुछ हो सकता है। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपको, ये हमारे यहाँ कोई स्वाध्यायी आते हैं, श्वेतांबर है, और आते हैं, सुनते हैं रोज़ अपनी प्रवचनों में, फिर रोज़ बैठते हैं, और बैठते हैं तो रोते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या क्या मिथ्या मान्यताएं मानी थी, और वो अपनी मान्यता ही बताते हैं, और वो कितनी भूल भरी है वो उनको ही समझ में आते हैं। तो कहते कि हमारे यहाँ हम दो कर्मों की पूजा करते, कर्मों की पूजा ने क्या, एक तो वेदनीय कर्म की और एक अंतराय की। पूजा करते ने क्या करते हैं, हम फोन करते हैं गांव में, हमारे जो कोई वहां पर कोई पुजारी जो कोई होते हैं वो हमारी तरफ से वहां पूजा करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो असाता है ना, हाँ वो तो मंद पड़ता है, मोड़ा पड़े छे, मोड़ा पड़े छे,
और बाकी अंतराय। उन्हें बोला अंतराय दिखता है आपको, अंतराय कर्म दिखता होगा कि नहीं होगा, उसमें वर्ण होगा कि नहीं होगा, हाँ कौन से कलर का होगा, हाँ बोलो स्वामी, कर्मों का वर्ण होगा कि नहीं ये तो नक्की करो, क्यों होगा उद्गल। तो उसमें पांचों प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं कर्मों में, कर्म स्कंधों में। तो कहते हैं कि ये मान्यता है उनकी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा, बहुत सारी मान्यता भी, ऐसा नहीं कि कोई अन्य पंथी इसलिए मान्यता है। अभी हमारे मूल दिगंबरों में कितनी मान्यता चलती है, ये मान्यता के लिए ऐसा कोई लेबल नहीं लगता कि इसी की मिथ्या मान्यता होनी चाहिए। मिथ्यात्व के तो बहुत फैशन चलते हैं, नहीं 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 नहीं, देखो हम अभी यहाँ देखते ये क्या कहा, देखो वहाँ अपनी स्थिति के नाशाने जिसका अपनी ड्यूरेशन वो कर्म का अभी पक गया कहेंगे, उसकी स्थिति पूरी हुई तो वो उदय में आकर खिर जाएंगे, कर्म से अकर्म रूप हो जाएंगे। तो उसके नाश के वश से उदय रूप निषेक, निषेक यानी वो लौट, कर्मों का जो लौट एक साथ उदय में आता है उसको कहेंगे निषेक। उसमें गले जो कारमाण स्कंध, जो कारमाण वर्गना के स्कंध बने थे कर्मरूप, वह भी अकर्म रूप हो जाएंगे। उनका फल देने रूप जो परिणमन वह उदय है, कर्मों में अपने में कुछ ऐसी उसका स्वभाव है, जैसे मुझे मिर्च कैसी होती है तो तीखी होती है, और अन्य अन्य जैसे नीम कैसा है तो कड़वा है, वो उसका स्वभाव है। ऐसे कर्म प्रकृतियों के अपना अपना स्वभाव है, मोहनी में भी ज्ञानावरण में भी। तो कहते हैं कि वहाँ जो जीव स्वयं उस रूप परिणमता है, परंतु कर्म में उसको वैसा फल देने की शक्ति, ऐसा कहेंगे हम। तो वहाँ जो जीव के भाव होते हैं उसको कहेंगे औदयिक भाव। अब आगे गुण के प्रतिपक्षी जो कर्म, देखो ये कर्मों के जो नाम है वो उस गुणों के प्रतिपक्षी कहलाए। जैसे केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है, जीव का गुण है, तो उसका प्रतिपक्षी कर्म कौन सा है, केवल ज्ञानावरण। मति ज्ञान का प्रतिपक्षी कौन है, मति ज्ञानावरण। तो मति ज्ञानावरण कर्म केवल ज्ञान को रोक सकता है, या केवल ज्ञानावरण कर्म उल्टा लेते, केवल ज्ञानावरण कर्म हमारे है उदय चल रहा है, मति ज्ञान को रोकता है। तो अपना अपना प्रतिपक्षी जुदा जुदा होगा, उसमें उसका कार्य बनेगा। तो यहाँ कहते हैं यहाँ जो औपशमिक भाव कहाँ है वो मोहनी में लगता है और ज्ञानावरण में नहीं लगाना है। तो जो कर्म दब गए हैं उदय में नहीं आ रहे हैं, तब जीव का जो अपना भाव होता है उसको कहेंगे औपशमिक। जैसे मिथ्यात्व अनादि से उदय रूप चल रहा था, तो मिथ्यात्व का उदय है और जीव मिथ्यात्व कर रहा है, तो उस समय तो सम्यक तो नहीं है, तो इसमें से छूटने का कोई उपाय तो होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, तत्व विचार में ही ऐसी महिमा है कि जीव जहाँ तत्व विचार करता है, स्वसन्मुखता करने लगता है, तो कर्मों में उसका अनुभव मिथ्यात्वादि मंद मंद पड़ते हुए वो कुछ काल के लिए दब जाते, उदय में आना रुक जाता है, और यहाँ जीव अपने स्वयं के कारण सम्यक तो प्राप्त करता है। यानी ये तत्व विचार की महिमा से ही सब बातें बती बन जाती। ये मोक्ष मार्ग में प्रकाशक में देखो तत्व विचार की महिमा। बाकी कोई व्रत आदि करता है, इतना उपवास करता है, बहुत बहुत नियम अंगीकार करता है, उसको सम्यक्व का अधिकारी नहीं है। मैं तो भले वो कर रहे हैं नहीं भी कर रहा है, तत्व विचार से ही सम्यक्व की प्राप्ति होती है। तो ये उसमें ये कर्म के उपशमादि स्वयं वो होते हैं, जीव को कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता है। जीव तो अपने स्वभाव के दृष्टि करते आनंद की अनुभूति होती है, इन्हें जीव तो अपने आनंद का अनुभव ले रहा है और वो कर्मों में सारी बातें अपने ऑटोमेटिक हो जाती है, उसकी तरफ देखना भी नहीं हमको। ये सारे हमारे ज्ञान का विषय चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्या हमें भरोसा नहीं है कि तत्व विचार करेंगे कि आत्मात्मा करने से हो जाएगा, आत्मा कुछ करेंगे कि तो यानी कुछ करने से तो फल मिलेगा ना, यानी कुछ शारीरिक क्रियाएं करेंगे, कुछ उपवास आदि करेंगे, व्रत आदि करेंगे तो ही हमको भला होगा, इसे मान्यता हमारे अभिप्राय में पड़ी है, ख्याल में आती है ना। तो क्या कहते हैं, तो ये उपशम कैसे ऑटोमेटिक होता है, तो कहते हैं हाँ ऑटोमेटिक ही होता है। तत्व विचार के काल में वो कर्मों में कैसी कैसी, ये अपना अभी का विषय नहीं है, वो पंचलब्धि का लब्धिसार का विषय है, वो अपना हो चुका है बहुत बार, पर यहाँ किसको क्या कहते हैं उसकी अपनी बात चलेगी। देखो ये उपशम हुआ प्रतिपक्षी कर्मों का, यानी वो तो सर्वथा सत्ता में से नाश हो जाना उसको कहेंगे क्षय हुआ, क्योंकि क्षायिक सम्यक्व ऐसा जो बारम्बार अभी आपने सुना है यहाँ, तो क्षायिक सम्यक्व ने सम्यक्व के प्रतिपक्षी जो कर्म है, अभी आता है ना प्रतिपक्षी कौन से है, दर्शन मोहनी के तीन और अनंतानुबंधी के चार,
वो सत्ता में से पूर्ण टोटली नष्ट हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे वहाँ जो सम्यक की प्राप्ति जीव के अपने से होती, उसको कहेंगे क्षायिक सम्यक, एक क्षायिक भाव हुआ। क्षोभशम यानी कुछ उसका अंश विद्यमान है और कुछ थोड़ा प्रकट है, थोड़ा अप्रकट है, उसको कहेंगे क्षोभशम। तो कर्मों में ये चार अवस्थाएँ होती है, वहाँ जीव के जो भाव है उसको ये हम चार भाव कहेंगे उसके। और लास्ट पैराग्राफ देखो, उदयादि की अपेक्षा रहित यानी कर्म की किसी भी अपेक्षा से रहित जो परिणाम है उसके होने पर जो हो वह पारिणामिक भाव है। अभी ये तो किसको क्या कहना उसकी बात अभी बताई। अभी यहाँ हमें ये जो मिथ्यात्वादी गुणस्थान है, पहले हम उसके नाम देखेंगे, फिर उसके स्वरूप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। देखो यह पहले उसके नाम क्या क्या है, ये 9 और 10 गाथा जो है ना, उसमें उनके नाम बताए। हम 2 गाथाएं पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ बोर्ड पर उनके नाम भी देखेंगे। आपके पुस्तक में 64 पेज पर 9 नंबर की गाथा है, हम प्राकृत में पढ़ेंगे उसको, फिर 65 पर 10 नंबर की है। मिच्छो शासन मिस्सो अविरद सम्मो यदेश विरदो य विरदा प्रमत्त इदरो अपूव अनियट्ठि सुहमोय उवसंत खीण मोहो सजोग केवली जिनो अयोगी 14 जीव समासा तमेण सिद्धायणा। देखो यहाँ जीव समास शब्द आया है, यहाँ गुणस्थान के लिए जीव समास शब्द आया है, क्योंकि ये गुणस्थान का प्रकरण है। वो जीव समास नाम का प्रकरण हम अलग से लेंगे, उसको भी जीव समास कहेंगे। तो यथा योग्य जहाँ जो कथन आता है उसको समझना है। यहाँ तो 14 जो गुणस्थान है उसके जो आपके पास अभी चार्ट्स भी आ गए हैं और बोर्ड पर भी लिखे हैं, पहले हम गुणस्थानों के नाम देखेंगे और फिर उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है ना, थोड़ा हम स्वयं उसको रिपीट करेंगे तो ये बात हमारे ख्याल में आ जाएगी। मैं एक एक नाम लूँगी, आपको उसको रिपीट करना है। यहाँ तो सासादन लिखा है, पर सासादन सम्यक तो उसका पूरा नाम है। देखो मिथ्यात्व सासादन सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व असंयत सम्यक्त्व देश संयत प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय क्षीण कषाय संयोग केवली अयोग केवली। ये कितने हुए? 14 है। तो पहले गुणस्थान का नाम क्या है, इसकी चर्चा करेंगे अभी। देखो ये चार्ट जो आपके हाथ में है, वो आए क्या विनोद भाई, आए सावला नहीं आए? ये बहुत मेहनत से उन्होंने ये सब, उसकी जो DTP करते हैं ना एक एक चार्ट, और बाद में उसके फ्लेक्स बनाए हमने, ये चार्ट बनाने में बहुत मेहनत की है। पहले तो हम हाथ से सब बना के लाते थे, आप लास्ट टाइम हमारा जो जीवकान का शिविर हुआ था तो मैंने हाथ से बना के लाए थे। अभी ये सब कंप्यूटर पर उन्होंने उसको फिर DTP वगैरह एक एक की है, बहुत मेहनत से बहुत सूक्ष्मता से उसकी बनाई है, तभी आपके हाथ में अच्छी तरह से आ गए। देखो हम क्या कहते हैं यहाँ, ये शिविर केवल हमारी नहीं होती, मुझे तो बस बोलना है आके, बाकी सब मेहनत और बहुत सारे लोगों की इसके पीछे। हम पंडित जी के तो सबसे पहले तो 3-3 महीने से उसकी सब तैयारी होती है। तो अभी हम इसकी चर्चा करते हैं यहाँ इन गुणस्थानों की। देखो अभी आते हैं यहाँ पर, यहाँ है पेज नंबर 65 पर। देखो मिथ्यात्व, तो मिथ्या यानी क्या है? अयथार्थता। तो कहते हैं मिथ्या अर्थात, ये 9-10 के नीचे जो टीका है वहाँ से पढ़ती हूँ। मिथ्या अर्थात अतत्व गोचर है दृष्टि अर्थात श्रद्धा जिसकी, दृष्टि यानी यहाँ श्रद्धा प्रतीति, उसको कहते दृष्टि, नहीं समझे? दृष्टि और ज्ञान में अंतर है। दृष्टि किसको कहना, क्योंकि हमने वो तो बहुत बार सुना है दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय, तो दृष्टि का विषय क्या होता है और ज्ञान का विषय क्या होता है? हाँ कौन कहना चाहते हैं?
ज्ञान का विषय पूरी दुनिया है, पूरा लोकालोक है, स्व भी है पर भी है, वो ध्रुव स्वभाव भी है, पर्याय भी है, परपदार्थ भी है, संयोग भी है, वो पूरा ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान भी सबको जानता है। और दृष्टि का विषय क्या है? बस ध्रुव स्वभाव भाव, जो निज आत्मा, जिसको जिसको आत्मा परमात्मा कहा है, कौन? अपना स्वभाव भाव, और उसको लक्ष्य करके जो होता है उसको कहेंगे दृष्टि। वो है दृष्टि का विषय, जो समय सार में, नियम सार में समझाया है, आत्मा के अनुभव के लिए जिसको हमने बताया है उसको कहेंगे दृष्टि। दृष्टि केवल अपने स्वभाव को मय रूप से स्वीकार करती, और ज्ञान पूरे मय और पर, स्व और पर सबको जानता है। तो यहाँ क्या कहते हैं? अतत्व गोचर है दृष्टि अर्थात श्रद्धा जिसकी, वह मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या रुचि वाला, मिथ्या अभिप्राय वाला। अभी इसमें एक एक शब्द कैसे तैयार हुआ वो लिखा है, परंतु हम उसके गुणस्थानों की चर्चा करते हैं। तो जो मिथ्यात्व तो गुणस्थान है उसकी बात हम आगे देखते हैं, क्योंकि एक एक शब्द कैसे तैयार हुआ है वो यहाँ लिखा है उन्होंने, फिर से चलो देख लेते हैं। 65 पेज, पहला नाम है मिथ्यात्व, मिथ्यापना। किसमें? मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। चारित्र ने माया आचरण की बात नहीं है, समझ में आती है? चारित्र ने अंतरंग में चरना, रमना, स्थिर होना, एकाग्र होना, उसको चारित्र कहते हैं। अपने आत्मा का अनुभव होना, उसको हम यहाँ ज्ञान कहेंगे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और उसकी श्रद्धा कब कहलाएगी? नहीं, आपने बताया, भगवान ने बताया, आचार्यों ने बताया, हमने उसको मान लिया, उसको श्रद्धा नहीं कहते हैं। आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। कोई ऐसी प्ररूपना चलती है, नहीं वो तो मुनियों के होता है, शुद्धोपयोग पहले होता ही नहीं है, ये बात आगम से विरुद्ध है। शुद्धोपयोग के बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता है, और आत्मा के अनुभव बिना उसकी प्रतीति नहीं होती है। क्योंकि जिस आत्मा को जाना ही नहीं, अनुभव ही नहीं लिया है, उसकी प्रतीति कहे की, यानी हमने उसके आगम पर श्रद्धा है, वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं कहलाती, उसको व्यवहार श्रद्धा कहते हैं। व्यवहार भी नाम तभी दिया जाता है जब आत्मा का अनुभव पूर्वक उसकी श्रद्धा हो, तब। ये गुरुदेव के जो स्वाध्यायी है नियम से नियमित, उनको तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्या है कि अन्य लोगों की बातें में चपेट में आते और फिर बारम्बार ऐसे प्रश्न भी पूछते रहते, या कोई दूसरे भी लोग आके चर्चा करने लगते हैं कि ये ऐसा कहते हैं, वो वैसा कहते हैं। हमें आगम क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, उसके अनुसार चलना। कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ सारे अवेलेबल है, वो मुनिराज क्या कहते हैं वो उससे हमको चलना है। आगे चलते हैं हम। ये देखो, सासाधन क्या है? असाधना यानी विराधना करना। किसकी? सम्यक की। उसकी जो विशेषता है, किसको क्या होता है, उसकी बात करेंगे हम। तो उसको कहेंगे सासाधन सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ क्या है? सासाधन सम्यक दृष्टि वो जीव है किसने, जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त किया है और अब गिर कर इसमें आया है। अब उसके लिए जो कंडीशन, जो औपचारिक सम्यक है, वही किस कारण वो आता है उसकी अभी चर्चा छोड़ देते हैं, उसको हम सासाधन कहें। मिश्र ने जिसको सम्यक मिथ्यात्व किसको कहेंगे, तो कहते ना सम्यक तो है ना मिथ्यात्व है, कोई श्रद्धा का अलग ही जाति का परिणाम है, उसको कहेंगे मिश्र गुणस्थान या सम्यक मिथ्यात्व। अविरत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक तो किसको कहते हैं? अविरत यानी उसको व्रत आदि कोई नहीं है, पर उसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिसका नाम है चौथा गुणस्थान। ये जो 1, 2, 3, 4 जो नाम है गुणस्थानों के, हम केवल नामों से भी उसको पहचानते। हम बारंबार कहते वो पहले से चौथे गुणस्थान में गया। गया ने कहाँ गया? घर छोड़कर कहीं बाहर गया क्या? नहीं, जीव की मिथ्यात्व रूप अवस्था थी, वो पलट कर उसको सम्यक तो हुआ, सम्यक तो अवस्था हुई, तो हम कहेंगे वो पहले गुणस्थान से चौथे में गया। गया ने कहीं जाना आना है नहीं, है वो तो कथन पद्धति। अब पांचवे का नाम क्या है? देश विरत। देश है ने पार्शल, देश है ने एक देश, जिसको हम कहते संयता संयत है, यानी उसके अनुव्रतादि होते हैं। और सम्यक तो वहाँ चौथे गुणस्थान से आगे के सारे गुणस्थान कैसे, वो सम्यक तो सहित ही है, वो सम्यक दर्शन पूर्वक ही वो सारे जो है ये सारे गुणस्थान है, तो उसको नाम है देश विरत। प्रमत्त विरत किसको नाम है? प्रमत्त और अप्रमत्त विरत ये मुनियों के रेगुलर गुणस्थान है, जिसको हम छठा गुणस्थान कहते हैं। तो जब जीव को पहले में पहले मुनि अवस्था प्राप्त होती है, पहले से या चौथे से या पांचवे से उसको प्रथम प्रथम सातवां गुणस्थान प्राप्त होता है, उसको कहेंगे अप्रमत्त दशा, अप्रमत्त अवस्था, तो अप्रमत्त संयत। और फिर वो सातवें से छठे, छठा सातवां, छठा सातवां चलता रहता है। ये मुनियों का रेगुलर गुणस्थान है।
यानी उनकी तो बाह्य दशा तो होती ही होती है, परंतु उनकी अंतरंग दशा पूर्वक ही, यानी वो महत्व की बात है, तभी उनको ये भावलिंग है, वो गुणस्थान तब कहेंगे। देखो बाह्य में तो मुनि अवस्था धारण करता है जीव पहले, बिल्कुल विधि पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रहण करेगा, परंतु जब वो आत्म ध्यान में लीन अवस्था में जो उस गुणस्थान के योग्य वहाँ जो उसकी जो शुद्ध उपयोग हो जाएगा, स्थिरता हो जाएगी, तब उनको कहेंगे, उनको ये सातवां गुणस्थान प्रकटा, फिर वो सातवें से छठा, छठा छठे से सातवां चलेगा। प्रमत्त इसलिए कहते कि वो प्रमादी अवस्था है। क्या प्रमाद किया मुनिराजों को? प्रमाद है क्या? प्रमाद क्या हुआ उनका? हाँ, स्थिर नहीं रहे। स्थिर नहीं रहे तो क्या हुआ? अरे विकल्प आ गए। कौन से? शास्त्र रचने का ऊपर विकल्प आए, देव दर्शन करने के विकल्प आए, वो क्या है सब? उनके लिए प्रमाद अवस्था है। ये हमारा प्रमाद तो वो तो सोते रहते हैं, वो तो चलता ही रहता है। शास्त्र स्वाध्याय में सोते हैं। क्या कहते हैं? तो ये प्रमत्त अवस्था। और फिर ऊपर के जो आठवां गुणस्थान है, नौवां है, दसवां है, आठ नौ दस ग्यारह, ये लाइन ही जुदी है, उसको कहेंगे उपशम श्रेणी। और फिर लौट के जीव नियम से नीचे सातवें और छठे तक तो नियम से आता है, और फिर उसका छठा सातवां गुणस्थान चलता है। अगर वो शुद्ध उपयोग में स्थिर होकर सात के बाद आठ नौ दस बारह, इसको क्षपक श्रेणी कहते हैं, कर्मों का क्षय करते हुए चढ़ता है, तो नियम से अरिहंत अवस्था प्राप्त हो, फिर उसका नो रिटर्न, वन वे ट्रैफिक ओनली। अरिहंत अवस्था होती है तेरहवें गुणस्थान, यथा योगी जितनी आयु बाकी है, और फिर जब लास्ट में एक अंतर्मूर्त में चौदहवें गुणस्थान करके वो सिद्ध दशा बन जाती। तो ये सब शॉर्ट में गुणस्थान की बात है, उसको अभी हम यहाँ पढ़ेंगे पुस्तक के आधार से। देखें, देखो यहाँ जो अभी हमने औदयिक आदि बात की थी ना, तो पहले गुणस्थान में कौन सा भाव होता है, दूसरे में कौन सा होता है, तो पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी की अपेक्षा लगाएंगे। दर्शन मोहिनी की कौन सी कहाँ अवस्था होती है? तो पहले गुणस्थान में दर्शन मोहिनी जो अनादि का जो मिथ्यात्व है, उसके पास सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति है ही नहीं है, एक मिथ्यात्व प्रकृति उसकी दर्शन मोहिनी की है, उसका उदय हो रहा है और जीव मिथ्यात्व कर रहा है हर समय। तो ये उसका उदय है और जीव यहाँ मिथ्यात्व करता है, तो उसको क्या कहेंगे? दर्शन मोहिनी की उदय रूप अवस्था है, और जीव का जो भाव है मिथ्यात्व दशा, उसको कहेंगे औदयिक भाव। समझ में आई बात? तो पहले गुणस्थान में तो वहाँ दर्शन मोहिनी की अपेक्षा उसका औदयिक भाव है। दूसरे की बात हम बात करते हैं, तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उपशम कुछ काल के लिए उसका उदय रुक जाता है, तो उसको कहेंगे उसका उपशम हुआ। और जीव को जो सम्यक तो प्राप्त होता है, उसको कहेंगे औपशमिक सम्यक। वो उपशम कितने काल तक टिकता है? तो उपशम टिकता है उसका अंतर्मूर्त काल तक। तो अंतर्मूर्त काल तक उसका जो उपशम टिकता है, तो उसको कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्व। तो उसके बाद क्या होगा? औपशमिक में से क्षोपशम सम्यक्त हो सकता है, औपशमिक से मिथ्यात्व में गिर सकता है, फिर दोबारा मिथ्यात्व हो सकता है। एक बात और है, औपशमिक से जब औपशमिक का काल चल रहा था, मिथ्यात्व का तो उपशम हो कर बैठा है, परंतु अनंतानुबंधी जल्दी उदय में आ सकता है। तो उदय में आवे तो क्या हो जाएगा? उसका दूसरा सासादन गुणस्थान प्रकट होता है। तो सासादन गुणस्थान किसके होता है? जिसने पहले वो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया है, और उसके औपशमिक सम्यक तो के चलते हुए कुछ अभी काम उसका काल बाकी है उसका, उसके पहले अनंतानुबंधी जल्दी उदय में आ जाएगा, तो उसका क्या होता है? सासादन नामक दूसरा गुणस्थान होता है, और उसमें भी मिथ्यात्व का नियम से उदय होने ही वाला है, तो उसका उदय होते हुए मिथ्यात्व में आता है। इस तरह ये सासादन गुणस्थान है। तीसरा गुणस्थान कैसा है कि ना उसके सम्यक्त्व का कोई है और ना ठेकाना मिथ्यात्व का है, तो कोई ऐसा अलग जाति का परिणाम है, वो जो सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का वह उदय होता है और जीव का ये परिणाम होता है, उसको कहेंगे तीसरा गुणस्थान। तो दूसरे गुणस्थान में कौन सी अवस्था है कर्मों की, दर्शन मोहिनी की? पारिणामिक भाव का। क्यों? वो ऑलरेडी उपशमित पड़ा है, अब नए से कोई कर रहा नहीं। आप कहेंगे अनंतानुबंधी का उदय है ना, हाँ, परंतु हमारी अपेक्षा दर्शन मोहिनी की चल रही है। ये अनंतानुबंधी की अपेक्षा औदय कहो तो कहो, पर हमारी अपेक्षा दर्शन मोहिनी की चल रही है, तो दर्शन मोहिनी का वहाँ ना उदय है ना उपशम है कुछ है। आप कहेंगे उसका उपशम चल रहा है ना, चल रहा है, पर ये नए से उपशम नहीं किया है, इसलिए उसको कहेंगे पारिणामिक भाव। तीसरे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का क्या है?
सम्यक मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा है, सम्यक प्रकृति भी सत्ता में पड़ी है, वहाँ उसका शोषण भाव। चौथे गुणस्थान में दर्शन मुनि की क्या अवस्था होती है? तो सम्यक तो तीन प्रकार के होते हैं, एक औपशमिक सम्यक में दर्शन मुनि वहाँ उपशमित पड़ा है, क्षोभम सम्यक में उसका क्षोभम चल रहा है और क्षयिक सम्यक में उसका क्षय हुआ है। इस तरह से पहले चार गुणस्थान दर्शन मुनि कर्मों के ये जो अवस्थाएं अलग अलग बताई उसकी अपेक्षा से होते हैं। अभी मिथ्यात्व की थोड़ी चर्चा करते हैं हम, आगे आपके पेज नंबर निकालना। हाँ, पेज नंबर 70, हिंदी वाला 70। देखो यहाँ टीका में ये मिथ्यात्वादी के भेद बताए। हमने चार ही गुणस्थानों की बातें देखी, आगे के गुणस्थानों में जो चारित्र मुनि की अवस्थाएं होगी जो कुछ उसकी चर्चा करेंगे बाद में। वहाँ चारित्र मुनि की कौन सी अवस्था होती है आगे के गुणस्थानों में लगती है। देखो अभी हम 70 पेज है वहाँ पढ़ेंगे कि दर्शन मुनि के भेद रूप मिथ्यात्व प्रकृति। हमने देखा मिथ्यात्व अनादि से तो मिथ्यात्व प्रकृति का तो बन चल रहा है, उसी सत्ता है, उसी का उदय होता रहता है। भेद रूप क्यों कहा? क्योंकि जब पहली बार सम्यक तो होता है तो दर्शन मुनि की जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसका अनुभाग घटकर और दो प्रकृतियाँ तैयार होती है। एक है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और एक है सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति की विशेषता यह है कि उसका उदय भी चले और सम्यक तो भी बना रहे। आप कुछ अल्प सा दोष लगता है परंतु सम्यक तो उसका छूटता नहीं है, पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जावे जीव का सम्यक तो छूट जाता है, वो तीसरे गुणस्थान में आ जाता है। और मिथ्यात्व के उदय में जीव पहले, देखो हम कहेंगे मिथ्यात्व के उदय के कारण आया है परंतु बात यह कि जीव स्वयं वो परिणाम करता है तब मिथ्यात्व का उदय कहलाते हैं। का उदय आया इसलिए जीव में मिथ्यात्व जाना पड़ा ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परंतु कर्णानुयोग की भाषा ही ऐसी होती है कि हम निमित्त की तरफ से उसका पहले कथन किया जाता है, है? तो देखो ये जो मिथ्यात्व होता है वो कैसा है, लक्षण क्या है? अतत्व श्रद्धान। ये तत्व क्या होते हैं? जो वस्तु है उसका जो भाव उसको तत्व कहते हैं, वह पना। जैसे माता है तो मातृत्व, कोई वृद्ध है तो उसका वृद्धत्व। ऐसे जो जीवादि जो पदार्थ बताए हैं, सात तत्व कहो या नौ पदार्थ कहे, तो उसका जो अपना अपना भाव उसको कहेंगे तत्व। तो तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा उसको नहीं मानना, मानने की बात कर रही हूँ, नहीं मानना अन्यथा मानना, इसको कहेंगे तत्वों का अश्रद्धान या अतत्व श्रद्धान। क्योंकि ये जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो जो भगवान के द्वारा कथित ये जो सात तत्व कहो जिसको हम जीव अजीव आश्रो बंध संवंडी मोक्ष इसको जो तत्व कहे हैं उसका अपना अपना सात नाम बताए तो सात के अलग अलग स्वरूप होना ही चाहिए। तो उसका सही स्वरूप जानकर उसको किस रूप से श्रद्धान करना है। तो इसने दौलतराम जी ने चौड़ाला में कहे जो का त्यों श्रद्धान। जानने के लिए सातों तत्व जानने योग्य है क्योंकि उसका स्वरूप जाने बिना हम कैसे नक्की करेंगे कौन सा रखना है और कौन सा छोड़ना है। तो जो आश्रवादी जो होते ना आश्रव बंध, वो रखने लायक है कि छोड़ने लायक है? छोड़ने लायक है, छोड़ने लायक है, ये हमने मान्यता में लिए। आश्रव ने जो पुण्य पाप के परिणाम है, कल बात आई थी ना पुण्य छोड़ना है, जो नाव में बिठाया था ना पंडित जी ने और मझधार में कोई उतरना चाहता है तो क्या होगा? डूब जाएगा। तो पुण्य को छोड़ने लायक समझा, मानना है, और प्रवृत्ति में से छोड़ देंगे क्या होगा? पाप में चला जाएगा, दुर्गति में चला जाएगा। तो श्रद्धान किस रूप से करना है? छोड़ने लायक है। छूटेगा कब? यथायोग्य, जो अपने स्वरूप में स्थिर होना है तो पुण्य के परिणाम को छोड़कर ही स्थिर हो जाता है, इसलिए उसको हेय कहेंगे हम वहाँ पर, तभी उसको हेय कहेंगे। जब हम स्वयं स्वरूप में गुप्त हो जाएंगे तो हमारे लिए वो हेय हो गया, हमने बस याद किया ये हेय है ये उपादेय है। देखो हमने बराबर श्रद्धान किया कि नहीं किया, तो उसको श्रद्धा नहीं कहते है। ये तब कहलाएगा जब हम स्वयं अपने स्वरूप में जीव तत्व जो है उसमें अपने निज तत्व में स्थिर हो जाएंगे, तब हमने वो आश्रव को उसका लक्ष्य छोड़ दिया तो हमने उसको कहेंगे उसको है ये कर दिया। तब तक हमने केवल रट लिया कि वो है ये है कहे, समझ में आई थी ना बात? अभी आगे देखते। तो ये जो मिथ्यात्व जो है अतत्व श्रद्धान है,
तत्वों का अश्रद्धान है। तो जैसे तत्व है उसको वैसा नहीं मानना, अन्यथा मानना, इसको कहेंगे अतत्व श्रद्धान। इसमें देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान यानी सम्यक्त्व किसको कहेंगे? तो देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, कहीं कहीं आता है सात तत्वों का श्रद्धान, दोनों एक ही है। क्योंकि इनके श्रद्धान में सात तत्वों का श्रद्धान गर्भित है। क्योंकि हमें तो निज तत्व यानी स्वतत्व जीव तत्व को जानना है, मानना है, उसमें स्थिर होना है। तो उसके पहले में हमको देव का स्वरूप नक्की करना है। तो को देव का श्रद्धान तो मोक्ष तत्व में गर्भित है। मोक्ष तत्व का श्रद्धान कहो या देव का श्रद्धान कहो, एक ही बात है। संवर निर्जार जो मुनियों के मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, अधिक प्रकट है, तो देव गुरु का स्वरूप देखने जाओ तो संवर निर्जार तत्व का स्वरूप एक ही है। इस तरह से वो उसी में गर्भित होते हैं। इसलिए हमें सच्चे देव का स्वरूप, सच्चे गुरु का स्वरूप, गुरु यानी मुनिराज, और सच्चे शास्त्र का स्वरूप, तीनों ही नक्की करना है। सात तत्वों का स्वरूप निश्चित करना है। और फिर वो इसमें भेद ज्ञान कैसे करता, जो हमारा द्रव्यानुयोग का विषय है, वो भेद ज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव करना है। परंतु जो तत्वों के बारे में जिसका सही श्रद्धान नहीं है, सही श्रद्धा नहीं है क्या, ये पुण्य करने से मोक्ष हो जाएगा, जो मानते हैं पुण्य ने राग भाव करने से मोक्ष होगा, राग करते जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, ये क्या है, अतत्व श्रद्धान है। तो ये जो अतत्व श्रद्धान है उसके जो पांच भेद यहाँ बताए, देखो यहाँ देखते हम, यहाँ हम देख रहे थे, देखो दर्शन मोहिनी के हो गए समय, पांच नाम देखते इसके। दर्शन मोहिनी के भेद रूप मिथ्यात प्रकृति के उदय से जीव के अतत्व श्रद्धान है लक्षण जिसका, ऐसा मिथ्यात्व होता है, उसके पांच भेद बताए यहाँ। देखो एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। यानी एकांत मिथ्यात्व, जो अन्यमति जो होते हैं, देखो जिनगम कैसा है, अनेकांतात्मक है, और अनेकांत स्वरूप से उसका कथन भी आता है, परंतु कोई अपने हट से कोई एक ही अपेक्षा उनमें तो लगती नहीं, वो तो सर्वथा मान लेते हैं, वो है एकांत मिथ्यात्व। और जो विपरीत है, जो धर्म का फल तो सच्चा सुख है परंतु अन्य अन्य विपरीत मान्यता है ले लेता है, वो है विपरीत मिथ्यात्व। वही ना, एक मिथ्यात्व किसे कहेंगे, बस किसी का विनय करने से मुक्ति होगी ये मानते हैं, तो वही ना एक मिथ्यात्व है। अज्ञान मिथ्यात्व क्या, ये स्त्री को मोक्ष होता है या ऐसे ऐसी कोई अन्य अटपटी मान्यता है, गुरु के स्वरूप में जो कपड़े से जो मुनिपद होता है, घर में बैठे बैठे गृहस्थ को केवल ज्ञान होता है, वो क्या सारा है अज्ञान मिथ्यात्व है। या केवली को आहार होता है, कौलाहार होता है, ये मान्य सब अज्ञान मिथ्यात्व है। संशय मिथ्यात्व है, अरे ये इससे होगा क्या, क्या आत्म तत्व विचार से आत्मा का अनुभव होगा कि कुछ व्रत विकल्प से होगा, अभी निर्णय नहीं, डामाडोल है। कभी ये होता है ना मुरादाबादी लोटा, गड़ू गड़ू किसको हम कहते, गड़वा, नीचे से गोल होता है, यहाँ सुना ये अच्छा लगता है, वहाँ कहीं दूसरे की बात सुने वो इधर लौटता है, इधर से धक्का मारो उधर जाता है, उधर से धक्का मारो, और आजकल कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ में सारे प्रवचन अवेलेबल है ना। निर्णय नहीं है सच्चा क्या है, जो अच्छा लगता है उसको सुनते रहते हैं। अभी ये सच्चा है क्या, अच्छा है, नक्की क्या है, वो सत्य है कि नहीं, ये हमें जांचना जरूरी है यदि हमारा अपना कल्याण करना है। तो इसलिए अभी हम यहाँ तो कर्णानुयोग के माध्यम से आगे चलेंगे, द्रव्यानुयोग में तो ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझाई है, हम अन्य अनुयोग द्वारों को द्वारा भी इसी को नक्की करने जा रहे हैं। बाकी चर्चा हम दोपहर में करेंगे, अभी तो यहाँ रुकेंगे, बाकी चर्चा चलेगी। बोलो 2400 भगवान।